हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। आज का रेस है मैसूर रेस, डेट है 12/10/2023। मैसूर रेस का टोटल कार्ड है 7 रेस कार्ड है एंड बहुत से ओपन रेस कार्ड दिख रहा है, मतलब फेवरेट भी हो सकते हैं, अपसेट्स भी। बट जैसे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नेगेटिव होके घोड़े जीतेंगे, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कार्ड है, इतना दिख रहा है। तो बात करते हैं मैसूर की फर्स्ट रेस की। मैसूर का फर्स्ट रेस है द होगनाकल प्लेट क्लास 5 1600 मीटर। मैसूर का फर्स्ट रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स, डैट इज कोनिचिवा जॉकी एस जॉन। इसका लास्ट रन इग्नोर कीजिए, पर डाउन इन क्लास, मतलब क्लास 4 से क्लास 3 से डायरेक्ट 5 पे आ रहा है, तो बहुत ही बेटर चांस बनता है। और ऊपर से जॉकी चेंज है, मतलब एस जॉन बेटर राइडर है और फील्ड में देखे जाए तो सब में बेटर दिख रहा है कोनिचिवा, तो इजिली बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से कोनिचिवा। एंड सेकेंड चॉइस है 4 नंबर हॉर्स, डैट इज डीम टू फायर जॉकी एम राजेश कुमार। इसका लास्ट रन भी इग्नोर कीजिए, बट डाउन इन क्लास, ये भी क्लास डाउन होके आ रहा है, मतलब क्लास 4 से क्लास 5, और सेम जॉकी, मतलब लास्ट टाइम यही जॉकी था एम राजेश कुमार, बट अभी शू चेंजेस स्टील से एल्यूमिनियम, तो बहुत ही बेटर चांस बनता है इस घोड़े को डीम टू फायर को बोर्ड पे आने का, या फिर विन भी मार सकता है। इसलिए फर्स्ट रेस में 1/4 में आपको जो भी पेस लगे उसका आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम मैसूर के सेकेंड रेस में, द बारा चुकी प्लेट डिविजन 2 क्लास 5 1100 मीटर। मैसूर का सेकेंड रेस का फर्स्ट चॉइस है 11 नंबर हॉर्स, डैट इज रैप्टर जॉकी है श्रेया सिंह। ये घोड़ा लास्ट टाइम 4th हुआ है इको सिस्टम को, अभी इसके पास मतलब लो वेट लेके जा रहा है, तो बहुत ही बेटर दिख रहा है लो वेट पे, और ऊपर से शॉर्ट डिस्टेंस है, 1200 में था अभी 1100 में भाग रहा है, और ऊपर से गुड जंपर है, मतलब जंप अच्छा लेता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस का एक फर्क फायदा हो सकता है, इसलिए रैप्टर को के बोर्ड पे आने का या फिर विन भी मार सकता है। तो सेकंड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स, दैट इज हियर आई कम जॉकी है पी किरण राय। ये घोड़ा लास्ट टाइम स्लो आउट होके 5th हुआ है इको सिस्टम को, मतलब यही दोनों एक ही फील्ड में भागे हुए घोड़े है, और ये 5th हुआ है स्लो आउट होने के बावजूद, अभी जॉकी चेंज है, शॉर्ट डिस्टेंस है और ऊपर से शू चेंज है, तो इसलिए बहुत ही बेटर चांस बनता है हियर आई कम को विनिंग के लिए। तो इसलिए सेकंड रेस में मुझे पर्सनली 11/7 पसंद है। एंड चलते हम मैसूर के थर्ड रेस में, दबारा चुकी प्लेट डिवीजन 1 क्लास 5 1100 मीटर। मैसूर का थर्ड रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स क्वांटो जॉकी है अंगद। इसका भी लास्ट रन इग्नोर कीजिए, ये भी डाउन इन क्लास, मतलब क्लास 4 से क्लास 5, बहुत ही बेटर चांस बनता है, पर से शॉर्ट डिस्टेंस और शुड टेक गुड जंप, मतलब हर टाइम स्टार्ट बहुत ही खराब लेते आ रहा है, बट अभी शॉर्ट डिस्टेंस है अंगद, आई होप जॉकी अगर जंप गुड लेंगे तो स्क्वांटो इजीली बोर्ड पे आ सकता है या फिर विनिंग के लिए भी ट्राई कर सकता है। और सेकंड चॉइस 7 नंबर हॉर्स, डैट इज कंट्रीज मेजर जॉकी एस एंटोनी राज। ये भी घोड़ा लास्ट टाइम गुड सेकंड हुआ है लीड सिंगर को, ऊपर से गुड जंपर है, इसका स्टार्ट बहुत ही बेटर है और स्पीड है इस घोड़े में, ऊपर से शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए बोर्ड तो छोड़ना ही नहीं चाहिए कंट्रीज मेजर को, और आई थिंक फॉर्म में भी है तो इजिली बोर्ड पे आना चाहिए। तो थर्ड रेस में 2/7 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप चांस ले सकते हैं। तो चलते हम मैसूर के फोर्थ रेस में, द गुल एंड सोली पूना वाला मेमोरियल ट्रॉफी क्लास 3 1600 मीटर। मैसूर का फोर्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 3 नंबर ऑफ स्क्वायर द सर्कल जॉकी विवेक जी। इसका भी लास्ट रन इग्नोर कीजिए, डाउन इन क्लास, क्लास 2 से क्लास 3 में, अभी जॉकी चेंज है, थोड़ा वीक फील्ड है, इसलिए थोड़ा फायदा हो सकता है स्क्वायर द सर्कल विवेक जी को, मतलब बोर्ड पे आने का। और सेकंड चॉइस है 7 नंबर हॉर्स, दैट इज 2 इलाइट टोर्नाडो जॉकी एस एंटोनी राज। ये घोड़ा लास्ट टाइम गुड सेकंड हुआ है तारिक को, सेम राइडर है, वीक फील्ड है, इसलिए अभी चांस बेटर बनता है, मतलब ये तो समय बेस्ट दिख रहा है 7 नंबर, बट 3 नंबर भी कुछ कम नहीं है बोर्ड पे आने के लिए। इसलिए फोर्थ रेस में 3/7 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हम मैसूर के फिफ्थ रेस में, द चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी क्लास 2 1400 मीटर। मैसूर का फिफ्थ रेस का फर्स्ट चॉइस है 1 नंबर हॉर्स लास्ट विश जॉकी है एस जॉन। ये घोड़ा लास्ट टाइम 5th हुआ है एग्नोस्टिक को, फ्रंट रनर है, जॉकी अभी चेंज हुआ है, लास्ट टाइम शायद अच्छा ही जॉकी था, बट अभी जॉन है तो बहुत ही बेटर है जॉकी, अभी जस्ट इसका वेट इशू है, बट बाकी सब ठीक है, लास्ट विश बस वेट इशू की वजह से
थोड़ा फर्क मतलब स्लो हो सकता है कुछ एंड पोस्ट तलक से, बोर्ड पे तो रहना चाहिए लास्ट विश को। एंड सेकंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स, डेट इज आयरेनियस, जॉकी है नीरज रावल। ये घोड़ा लास्ट टाइम गुड सेकंड हुआ है सुभान को। अभी लेस्ट टू ट्रैवल मतलब आई थिंक 1600 में भागा है, अभी 1400 में भाग रहा है। ऊपर से गुड स्टार्टर है, हमेशा बोर्ड फ्रंट रनर मतलब 1-2 में रहता, और हमेशा ये घोड़ा टफ फील्ड में भागते आया है, तो अभी बेटर चांस बनता है साइरेनियस को विनिंग के लिए। तो इसलिए फिफ्थ रेस में 1/5 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो चलते हैं मैसूर के 6th रेस में, द बेलोर प्लेट क्लास 4 लेवल 100 मीटर। मैसूर का 6th रेस का फर्स्ट चॉइस है 2 नंबर हॉर्स, डेट इज फर्स्ट इम्प्रेशन, जॉकी है पी किरण राय। ये घोड़ा लास्ट टाइम इसका इग्नोर लास्ट रन इग्नोर जब डाउन इन क्लास क्लास 3 से क्लास 4, जो कि वीक फील्ड के हिसाब से बहुत ही लो क्लास में भाग रहा है, इसलिए चांस बहुत बेटर बनता है शॉर्ट डिस्टेंस से, इसलिए और बेटर चांस बनता है। शू भी चेंज है और बेटर चांस, जस्ट इसको टेक अ गुड जंप मतलब जंप लेना चाहिए इसको, बस ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसका एक फायदा हो जाएगा अगर जंप लिया तो विनिंग हो सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन। और सेकेंड चॉइस है 5 नंबर हॉर्स चुलबुल रानी, जॉकी है तौसिफ खान। ये भी घोड़ा लास्ट रन इग्नोर कीजिए, बट डाउन इन क्लास क्लास 3 से क्लास 4 पे चांस बनता है इसका भी, और वेट देखे तो सही दिख रहा है और लुकिंग गुड इन द फील्ड, मतलब वेट बीट सब कुछ सही दिख रहा है चुलबुल रानी को। जस्ट तौसिफ खान है मतलब इसके पास व्हिप नहीं, जस्ट पुश करके आने का है, बट कोई फर्क नहीं पड़ सकता मेरे हिसाब से बोर्ड पे आने के लिए। तो 6th रेस में 2/5 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं, वैसे तो मुझे पसंद है 6th रेस में 2/5। तो चलते हम मैसूर के 7th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द मांड्या प्लेट क्लास 4 1200 मीटर। मैसूर का 7th रेस का फर्स्ट चॉइस है 10 नंबर हॉर्स ओ मंचली, जॉकी AK अनिकेत। लास्ट टाइम ये गुड सेकंड हुआ है नेचुरल गोल्ड को, और ऊपर से शॉर्ट डिस्टेंस है, जॉकी चेंज है, लो वेट है, इसलिए बहुत ही प्लस पॉइंट मिलता है ओ मंचली को बोर्ड पे आने के लिए, या फिर विनिंग भी ट्राई कर सकता है। और सेकंड चॉइस है 8 नंबर हॉर्स डेट इज मिस्टिक डिवाइन, जॉकी विवेक जी। ये घोड़ा लास्ट टाइम 4th हुआ एज अ फेवरेट, जॉकी चेंज थी, आई थिंक सेम डिस्टेंस से भाग रहा है, बस जस्ट इसका प्लस पॉइंट है कि शू चेंज हो रहा है, इसका एक फर्क पड़ सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको जरा प्लेंटी चांस हो सकता है। अगर जॉकी ने बेटर राइड करेंगे तो थोड़ा हार्ड राइड करेंगे तो मिस्टिक डिवाइन जरूर विन भी मार सकता है। तो 7th रेस में 10 एंड 8 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैसूर रेस का 7th रेस का सिलेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में 1 या 2 आपको प्रॉफिट कर सके वही रेस कीजिए, ताकि आप प्रॉफिट हो सके। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर दी मैसूर रेस। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।